तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा मैं। चलो आ जाओ बेटी। हमारे घर की बहू को कहाँ लेके जा रहे हो तुम? एक बीवी की जगह हमेशा उसके शौहर के पास है। बस करो अजीजा मैडम, बहुत हो गया, बस कर दो। लो ये लो, खुद देख लो अपनी आंखों से। झूठ है ये सब। ये सच है बाबा, इस बार बिल्कुल सच है। क्या कहा? बेटी ये क्या किया, कैसे कर सकती हो तुम? तुम जानती भी हो कि इन लोगों ने कितना बुरा सुलूक किया था तुम्हारे साथ, और हमारी कितनी बदनामी हुई थी पूरे शहर में। मेरा नहीं, कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करती। ठीक कहा बाबा आपने, मगर मेरा प्यार मेरे मासी पर गालिब आ गया। आज के बाद मेरा घर यही है और मैं भी अब यही रहना चाहती हूँ। मर्जी से आई हूँ यहाँ बाबा, मैंने आपको नहीं छोड़ा है बाबा, लेकिन अब यही हकीकत है कि हम दोनों साथ हैं। भाई मगर मेरा प्यार मेरे मासी पर गालिब आ गया। आज के बाद मेरा घर यही है और मैं भी अब यही रहना चाहती हूँ। अपने आप को संभालो तुम रेहान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अगर असलान बे खानदान की बहू बनना चाहती हो तो असलान बे की तरह रहो, नहीं तो। नहीं तो क्या, दोबारा मुझे भरे बाजार के बीच में फेंक आएंगी? रेहान छोड़ो, जाने दो उसे, चीखने दो, चिल्लाने दो, ऐसे ही अपने अंदर से शादुलो खानदान का खून खत्म करेगी। हाँ। और हमारी कितनी बदनामी हुई थी पूरे शहर में। मेरा नहीं, कम से कम अपनी माँ का तो ख्याल करती।
लोगों को आदत हो जाएगी। सब कुछ वक्त पर छोड़ता हूं, यकीन करो हम दोनों इतने खुश होंगे कि तुम्हारे पापा उन समेत हर कोई कबूल कर लेगा हमें जल्दी। सिर्फ थोड़ा सा वक्त दो मुझे और थोड़ा सा सबर प्लीज। कितना वक्त दूं? 3 महीने या 5 साल? बाबा को जो जख्म आज मैंने दिया है क्या वो कभी भर पाएगा? और अम्मी, मैंने आज तुमसे शादी करके उनकी नजरों में अपनी जगह हमेशा के लिए खो दी है। ना मेरे बाबा और ना ही कभी अम्मी मुझे माफ कर पाएंगी। दिल दुखाया है उनका मैंने बहुत। वो लोग तो अपनी जान भी देने के लिए तैयार थे मेरे लिए, और मैंने क्या किया? रियान, मैंने उनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी वजह से अपनी नजरें नहीं उठा पाएंगे। क्या तुम्हें मुझसे शादी करके पछतावा हो रहा है? पहली दफा की थी तब पछतावा हुआ था, मेरी एक बात का जवाब दो तुम। क्या मुझे दोबारा शर्मिंदा करोगे कभी? आज के बाद अपने अल्फाज से नहीं बल्कि हमेशा तुम्हें खुश रखकर इस बात का जवाब दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें सारा माजी भुलवा दूंगा, यकीन करो मेरा। इस बार जो शादी के लिए हां की है इसका तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। आ जाए आजाद भाई, खाना खाने से पहले हम दोनों एक गेम खेलते हैं, देखते हैं कि किसमें ज्यादा ताकत है। गेम खेलते हैं? परेशानी नजर नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हें पता है सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और सब लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग डरपोक हैं, समझे तुम? आजाद भाई, ऐसी बात नहीं है, सब लोग जानते हैं आप डरपोक नहीं हैं, आप गलत सोच रहे हैं। और वैसे भी आप शादुल खानदान के वारिस हैं, फिक्र नहीं करें, सब कुछ जल्दी ठीक होगा। एक बात अच्छी तरह कान खोल के सुन लो तुम, मैं यहाँ क्यों आया जानते हो? सिर्फ और सिर्फ रेहान की वजह से, सिर्फ उसकी खुशी के लिए। अगर वो ये नहीं कहती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। ये चाय के साथ कुछ केक बनाए हैं। जरा भी अक्ल नहीं है तुम में, ले जाओ इन्हें।
ये खिजर मुझे पागल कर देगा। तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था। जान, फोन मिलाओ उसे। वो फोन नहीं उठा रहे बाबा, मैं फिर ट्राई करता हूं। नहीं, नहीं उठा रहे। बहुत बार ट्राई किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे। बाबा, सिर्फ रजा को उनके साथ भेजकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? 10-12 लोग और उनके साथ होने चाहिए थे। अब हम क्या करें उस लड़की का? उसने भाई को भी थका दिया है और हमें भी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, हमारा खून होके वो आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि बातों से कुछ भी नहीं होता। उन पर निगाह भी रखनी पड़ती है कि वो कर क्या रहे हैं। अब हमारी बेटी यारिन को ही देख लो। मुझे तो इस खामोशी से डर लग रहा है। जान, अपने आदमियों को इकट्ठा करो और तुम सब जाओ खिजर के पीछे। जी बाबा। मैं यहाँ अपने बेटे की जिंदगी बचाने में लगी हूँ, लेकिन लगता है कि मेरा शौहर भी जद में आने वाला है। बहू, आएगी मेरी बेटी, जरूर आएगी। खिजर साहब, रेहान कहां पर है? रेहान, रेहान किधर हो? क्यों नहीं लाए रेहान को? आए रेहान, बताइए मुझे, आप तो उसे लेने गए थे ना? जल्दी आओ, जल्दी आओ। वो नहीं आई जहरा, नहीं ला सका उसे, उसने शादी कर ली। चलो बेटी मेरे साथ, उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मैं वीरान से बहुत प्यार करती हूं, आज के बाद यही मेरा घर है। नहीं नहीं, आपको बताऊं, मैं ऐसा नहीं कह सकती है। ऐसा नहीं कहा होगा खिजर साहब उसने, आपने गलत सुन लिया होगा। रेहान ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है मेरे साथ, ना कुल के साथ, ऐसा नहीं कर सकती है। वो मेरी बच्ची, आपको नहीं पता। सच कह रहा हूँ मैं, रियान ने ये सब कुछ मेरी आंखों में आके डाल कर कहा है। जहरा, मैंने उसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि उसकी खातिर अपने पापा से भी लड़ गया हूँ। इसके बावजूद क्या किया है उसने, कैसे हमें दुख दे सकती है वो? समझ नहीं आ रहा, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? क्या कमी रह गई थी? मेरी बेटी ऐसा नहीं कह सकती है, ऐसा नहीं कहा होगा उसने। ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये तो वाकई सच निकला, उन दोनों की शादी हो गई। बाजी, बाजी संभालो खुद को। मेरी बेटी ऐसा नहीं, संभालिए प्लीज। देख लिया ना, जिसके लिए मेरे सामने खड़े हुए थे तुम,
उसने तुम्हें अपना असली रंग दिखा दिया। उसने एक न एक दिन तुम्हारा सर नीचे करना ही था। अपनी औलाद अपनी ही होती है खजर, याद रखो। उसने साबित कर दिया कि उसकी रगों में शादोलो खून नहीं है। मुझे आज के बाद तुम उस लड़की की तरफदारी करते ना दिखो। तुमने देखा ना ये सब करके क्या सिला मिला। आज के बाद वो हमारे लिए मर चुकी है। सुन लो सब और याद रखना, आज के बाद वो भी हमारे लिए दुश्मन है। आज से कोई उसका नाम नहीं लेगा, और अगर किसी ने लिया तो वो भी हम में से नहीं है। उससे कोई भी नहीं मिलेगा, और अगर कोई उस मनुष्य से मिला तो खुदा की कसम इसी जमीन में उसे गाड़ दूंगा। मेरी बच्ची बाजी, संभालो खुद को, संभल करो बेटा। शुक्र है अब इस मर्तबा वो वापस नहीं आएगी। चलो अंदर चलते हैं। रयान तुम देखना मैं तुम्हें मीरान के दिल से और उस हवेली से बाहर कैसे फेंकती हूं। इसके लिए चाहे मुझे किसी की भी कुर्बानी देना क्यों ना पड़ जाए। बस एक बार भाई, बस एक बार फोन उठा ले प्लीज। हाय अरिन। थैंक गॉड भाई। अरिन हेलो। हम परेशान थे बेटा, बस आवाज सुननी थी तुम्हारी। माशाल्लाह ठीक लग रहे हो, अपने नाना को सलाम देना, रखती हूँ। अच्छा तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी? तुम उसे पीछे भेजना चाहती हो रियान के? अम्मी आप गलत समझ रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। ये कहानियाँ किसी और को जाके सुनाना। बेटा तुम्हें मैंने पैदा किया है, तुम्हारी हर चाल का मुझे इल्म होता है। आखिर तुम कैसे समझोगी मेरी समझ से बाहर है। अम्मी समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। यारिन ने कॉल की और अम्मी ने कट कर दी। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है। और अब नंबर बन जा रहा है। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है, थोड़ी देर बाद कोशिश करें। तो है अपने दादा के बारे में कि वो किस आदत के हैं और किस तरह के हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी मां भी है, गुल भी है। मुझे लगता है इतने लोगों का प्यार काफी होगा। मेरे प्यारे बाबा, तुम डर तो नहीं गई? नहीं मैं बस कुछ सोच रही थी। तुम बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल है, हमारा रास्ता
बहुत लंबा है, इसमें मुश्किलें हैं, लेकिन तुम मेरे साथ हो। मैं इसी रास्ते पर चलूंगा क्योंकि यह रास्ता मुझे जन्नत की तरफ ले जाएगा। मैं वादा करता हूं तुम्हारे सारे दर्द भुला दूंगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी वापस लाऊंगा। मेरे बाबा का देखना, उनकी बातें मैं भूल ही नहीं पा रही हूं। मीरान, उनकी बहुत याद आ रही है। वो जरूर मान जाएंगे रेहान, जरूर मान जाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त। कौन है? मीरान छोड़ दो, कोई बात नहीं। देखो, हमने शादी कर ली, तुम्हारे पास हूं मैं। कबूल करना ही पड़ेगा सबको, और ये भी कबूल करेगा। सॉरी, बस आगे मत आना, मैं उठवाता हूं इसे। हाँ अस्मा खाला। हाँ बेटा। ज्ञान के कपड़ों में चाय गिर गई है, जरा एलिफ से कपड़े तो ला दीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आए। परेशान मत हो तुम, अस्मा खाला भी कपड़े ले आती हैं। अस्मा, शहरयार, नीचे जाओ जरा जल्दी से, एलिफ से कपड़े लेकर रियान को दे दो। वो बेचारी घर से भाग कर आई है, उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। काम पर ध्यान दो अपने। छोड़ो मत करो रियान, इसे मैं वॉश करवा देता हूं अभी। यही एक चीज है जो मैं अपने साथ लेकर आई हूं मीरान। ठीक है, मिलकर साफ करते हैं। हटो, जब हम अपने घर चले जाएंगे तब वहां सब कुछ तैयार होगा, यहां तक के कपड़े भी। मैं कर लूंगी। रुको रेहान, मैं कर रहा हूं ना, तुम रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ? ठीक है, अभी हो गया है साफ। मैंने कहा ना कि हो गया है साफ, और बाकी जब सूखेगा तो नजर भी नहीं आएगा निशान। खाने के लिए जाने में कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं दादी को बोल चुका हूं। मैं बस सुकून और खुशी चाहता हूं रेहान, इसके अलावा कुछ नहीं। जो तुम नहीं चाहती वो मत करो। कोई दरवाजे पर है, आ जाए। मैं दुल्हन के लिए कपड़े लेके आई थी। शुक्रिया। ठीक है, तुम बाहर जाओ ताकि मैं बदल लूं। ठीक है। रियान, बेटा मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, अब जल्दी से इन्हें देखो और मुझे बताओ तुम्हें पसंद आए। हाँ, बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, और ये रंग कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ओ मेरी बेटी, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे ला कर दूंगा। मैं शादी ही नहीं करूंगी। हाँ, ऐसा क्यों कह रही हो? मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं कभी भी आपसे अलग नहीं होना चाहती। बेटी तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम हमसे कभी भी अलग नहीं होगी, हमेशा हमारे दिल में रहोगी।
खिजर साहब। बोलो जहरा। आजाद ने फोन किया है। क्या? मगर तुम क्यों परेशान हो रही हो? पर इसने क्यों फोन किया है? अगर उसे कहीं रियान की शादी का पता चल गया तो हम क्या करेंगे? अगर उसने गुस्से में आकर कुछ कर दिया तो? नहीं नहीं, मैं उसे कॉल कर पता करता हूँ। परेशान मत हो। जी बोले। आजाद तुम कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, हम ठीक हैं। खैरियत, तुमने कॉल की थी? जी मैंने की थी कॉल। असल में बात यह है कि यारिन की कॉल आई थी और अम्मी ने मुझसे बात की और बात करते हुए कॉल कट कर दी, और जब मैंने कॉल की फोन बंद था। ये बताएं, वहां कोई परेशानी तो नहीं? अगर कुछ हुआ है तो मैं आज। यहाँ पर सब ठीक है बेटा, तुम तो अपनी अम्मी और अपनी बहन को जानते ही हो ना, बिला वजह बात बढ़ाती हैं। अंकल देखें, मैं सिर्फ आप पर ही भरोसा करता हूँ, प्लीज सच बताएं मुझे, आप लोग ठीक हैं? रियान ठीक है? मैंने कॉल की थी उसे लेकिन फोन नहीं उठाया। वो ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। रियान बाग में है और कुल भी उसके साथ है। दोनों ने पार्क के दीवार पर साइकिल बनाई है, तुम तो जानते ही हो ना। गुल अभी छोटी है, उसे अपने घर की याद आ रही है, तो इसीलिए रेहान उसके साथ खेल रही है ताकि उसे घर की याद ना आए और वो पहल जाए। बस यही बात थी बेटा। याद तो करेगी ना, आखिर उसने एक वक्त गुजारा है। लेकिन मैं असलान बे वालों को छोड़ूंगा नहीं, उनको भी हर चीज का हिसाब देना होगा अंकल। हाँ ठीक कहा आजाद, हिसाब तो देना होगा, लेकिन बेटा हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारा दुश्मन बहुत होशियार है, सोच समझ कर कदम उठाना है, समझ गए? जी ठीक है, घर में सबको सलाम दीजिएगा मेरा। भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब्बू अम्मी छुपा सकते हैं मुझसे, लेकिन अंकल कुछ नहीं छुपाते। मैंने झूठ बोल दिया है जहरा। आपने बिल्कुल सही किया है खजर साहब, रेहान और आजाद के लिए यही बिल्कुल सही है। चलो बेटी मेरे साथ, उसने मेरी आंखों में आंखें डाल कर कहा, मैं बेरान से बहुत प्यार करती हूं, आज के बाद यही मेरा घर है। मेरी बच्ची, कैसे उठाऊं मैं ये कॉल, कैसे उठाऊं? मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, तुझमें हिम्मत नहीं कि आपकी आवाज का भी सामना करूं। कॉल अटेंड करो, मुझे पता है मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे प्यार को भी समझती हूं, लेकिन तुम यही बात मुझे खुद बताओ, मैं क्या कहूंगी आपसे? मैं आपको कुछ नहीं बता सकूंगी, मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू है, मगर मेरी किस्मत में यही लिखा था। मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा अम्मी। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, मुझे जरूरत है। आप
की दुआ। या अल्लाह मेरी बेटी को खुश रखना, उसे हमेशा खुश रखना। तू बेहतर जानता है मेरे मालिक, तू अजीम है। या अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना, मैं अपनी बेटी तेरे हवाले कर रही हूँ। या अल्लाह चलो भाई आ जाओ सब टेबल पे। दुल्हन को आने दो, फिर साथ ही खाना शुरू करेंगे। चलो अस्मा शहरियार बैठो, चलो सब मिलके खाना खाएंगे शादी का। गुड इवनिंग आप सबको। हरगिज नहीं, अब तो हद पार हो गई। तुम गोनल की जान भी ले लो ना, तुम्हें सुकून आ जाएगा। बस चले तो तुम ये भी कर दोगे। मैंने तुमने मेरी बेटी के कपड़े पहने हैं, जरूर उसे दुख देना चाहती हो ना? हाँ जवाब दो। बस आंटी बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? गोनल चुप है मगर मैं चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आती मीरान? मेरा मसला इसके कपड़े नहीं, मेरी बेटी है। इसने अपना घर बांटा है, अपने शौहर को छोड़ दिया, आखिर अब क्या रह गया है? सब कुछ तो कर लिया उसके लिए, अब हमें बेघर करना बाकी है। आंटी मैंने कहा बहुत हो गया, बस खामोश हो जाएं आप। क्या आप कुछ नहीं कहेंगी अजीजा खानम? इतनी कदर तो आप अपनी बेटी की नहीं करती जितनी इस लड़की की करती हैं। अम्मी बस करें। रेहान मेरा ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अस्मा खाला मैंने आपसे कहा भी था कि कपड़े एलिफ से लेकर दीजिएगा, तो ये क्या किया आपने? मुझे जवाब दे अस्मा खाला। मिरहन फिरात रुक जाओ, अंदर नहीं आया मिरहन। I'm sorry रेहान। रियान अगर कपड़े पहन लिए तो मैं मुड़ जाऊं? बस एक मिनट। रियान उदास मत हो ठीक है, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं मैं। मुझे नहीं पता था कि ये कपड़े उसके, अगर मैं जानती तो कभी भी नहीं पहनती। चलो चलो। कहाँ? हम अपने घर जा रहे हैं रेहान, चलो। पहन के आ गई ना कपड़े अपनी औकात के हिसाब से। आपने मुझे आखिरी दिन भी इस घर में सुकून से नहीं गुजारने दिया। चलो चलें रेहान, आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी हरकतों से तुम रेहान को मीरान के दिल से निकाल पाओगी? गोनल बताओ मुझे। ये क्या किया आपने? आपने अपने कपड़े रेहान को दे दिए गोनल? आप ही
ये आपने बहुत गिरी हुई हरकत की है गोनलापी। गिरी हुई हरकत? अपनी जुबान संभाल कर बात करो एलिफ। बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अपनी हद में रहना सीखो, समझी? अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज प्रेजेंट में कुछ चल रहा है। जरूर कोई गेम प्लान कर रही हैं आप। बात करने से पहले ये अच्छी तरह सोच लो कि तुम क्या कह रही हो। अगर मुझे कोई गेम खेलना होता तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं अजीज़े असलान बे की पोती हूँ, सही कहा ना दादी जान? अच्छा तो आपने कुछ नहीं किया तो क्यों चले गए मेरान भाई यहाँ से? बस बहुत हो गया, कुछ नहीं किया मैंने। और अपनी इर्द गिर्द देखो, तुम देखो जरा कहाँ है हम? शादी के खाने पे, और वो भी उस शख्स के जो मेरा शौहर था, और उससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। कई साल मैंने उसका इंतजार किया है, कई साल। अब तुम बताओ मुझे, मेरे साथ क्या सही हुआ? उस लड़की ने मेरी खुशियाँ छीन ली, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, समझी? सारा कसूर आपका ही गुनलापी। पहले आप सच्चाई का आईना देखे। रेहान के आने से पहले मेरान भाई और आपकी जिंदगी क्या अच्छी थी। तुम भी गोनलापी के साथ इस तरह पेश आ रही हो? हाँ थू, मैंने तुम्हें अपने हाथों से पाला और रवैया देख रही हो तुम अपना? अजीजा खानम, गोनल को कुछ ना कहने वाली सिर्फ नौकरानी ही रह गई है, नजर आ रहा है आपको? चलो बेटी चले। छोड़िए अम्मी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है दादी जान। हर मौके पर मेरे ही कंधे पर बंदूक रख के चलाई है आपने, और आप जानती है कि मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ ये सब। आज मैं जिस हाल में हूँ उसकी वजह सिर्फ आप है। ठीक है, आप ही रिलैक्स हो जाए छोटी सारी बातों को। क्या ठीक है, क्या छोड़ दूँ मैं? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और तुम ये सब इतनी आसानी से कह रही हो कि गुनलापी संभाले खुद को। अगर मेरा संभाले तो क्यों ये सजा मिली है? तुम बताओ एलिफ, तुमने मुझसे किस तरह बात की है आज उस लड़की की वजह से? बताओ मुझे एलिफ, बताओ। मुझे तो ना इस टेबल पर और ना इस घर में रहने की जरूरत है। मेरी बेटी अकेली नहीं है इस मामले में, उसके साथ हूं मैं। एलिफ, अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम अजीजा खानम की खास पोती हो, समझ आ गई? इस दुनिया में मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। एलिफ, मुलाजमों से कह के ये सब साफ करवा दो। गोनल साहबा, आप ठीक तो हैं? शहरयार, आ जाओ। गुड, बहुत अच्छा काम किया तुमने, ये लो तुम्हारा इनाम। सच कहूं तो सच जानने के बाद मुझे खुद पे शक होने लगा है। उन लोगों को अब हमसे डरना चाहिए गोनल साहबा। हाँ, अजीजा असलान बे की पोती हूँ और सुल्ताना असलान बे की बेटी। मैं तो यहाँ तुम्हें तसल्ली देने के लिए आई थी, लेकिन माशाल्लाह तुम तो छुपा रुस्तम निकले, मुझसे भी बड़ी खिलाड़ी हो। अब ऐसे ही होगा अम्मी। चलो उदास मत हो प्लीज, सब खत्म हो गया। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं रेहान। मैं चाहता था कि दादी जान आज के दिन हमारे साथ रह लें, बस चाहता था कि हम रात का खाना सबके साथ खाएं, मगर शुक्रिया उनका। खैर छोड़ो, परेशान मत हो, कुछ भी हो जाए मैं दोबारा ऐसे नहीं होने दूंगा। रेहान,
मैं नहीं चाहता कि तुम पहले की तरह हर वक्त अफसरदा रहो। प्लीज अब हम अपने घर जा रहे हैं, दोबारा से सब कुछ शुरू करेंगे। आज के बाद तुम और मैं नहीं हैं, अब हम हैं। सामने देखकर चलाओ। हंदान, बाकी सब कहाँ हैं? बाबा और यारिन ने तो अपने कमरे में खा लिया है, बाकियों का मुझे पता नहीं। टेबल लगी है, जिसने खाना है खा ले आके। ठीक है। ये क्या बात हुई? आपने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया? आपको पता है मुझे भी बहुत भूख लगी है। बेटा अगर भूख लगी है तो बैठ जाओ, निगार आंटी सूप ले आएंगी। भाई नाराज ना होइएगा, बाबा और यारिन ने अपने कमरे में खा लिया और देखा कि आप भी यहाँ नहीं है तो हमने सोचा आपने भी रूम में खा लिया है। ऐसा कभी हुआ है कि एक ही घर में रहकर हमने अलग अलग खाना खाया हो? भाई हमने सोचा आप उदास हैं बस इसलिए, और आप हैं कि अपना गुस्सा मुझ पे उतार रहे हैं। कहना क्या चाहते हो तुम? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपको रियान पर गुस्सा है और आप अपना गुस्सा मुझ पे उतार रहे हैं। ठीक है जहान। क्या ठीक है भाई? क्या आपको गुस्सा नहीं कि आपकी बेटी दुश्मन की बीवी बन गई है? बस करो जहान, रियान के बारे में अब कुछ मत कहना वरना अच्छा नहीं होगा। हाथ पार मत करो। वो मैं नहीं हूँ जिसने हाथ पार की है भाई, आपकी बेटी ने हाथ पार की है। आप खुद देखें, आपकी बेटी की वजह से हम घर बार छोड़कर कहाँ पड़े हुए हैं, खुद ही देख लें। क्या हमने आजाद को बाबा के पास रियान की वजह से नहीं भेजा? बीच में मत बोलो। क्यों बीच में ना बोले? हाँ क्या सिर्फ भाभी ही माँ है और आप ही सिर्फ बाप है क्या? रियान की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर है। हमने आजाद को इसलिए दूर भेजा ताकि उसकी जान महफूज रहे। अगर आपकी बेटी ये कदम ना उठाती तो आज हमारा बेटा भी हमारे पास होता। बताएं भाई, बोले क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा जमीर इजाजत नहीं देता कि मैं ये कहूँ कि आपकी बेटी मर जाए। जैसी आपके लिए आपकी बेटी है वैसे ही मेरे लिए मेरा बेटा है। अगर बात मेरे बेटे की जान की आती है तो न मैं रियान को देखूंगा न मीरान को। कोई जिए या मरे मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या कहा तुमने?